हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो और आप हमारे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज के टॉपिक में हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, ये क्या है? एक सिस्टम है, यानी बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना है, जो ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे हैं और एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसको जी आई ट्रैक भी कहते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में गट भी कहते हैं, या फिर एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, एंड इट्स एसोसिएटेड एसेसरी ऑर्गन्स डैट ब्रेक डाउन फूड इंटू स्मॉलर कॉम्पोनेंट्स सो डैट न्यूट्रिएंट्स कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स द नेसेसरी एनर्जी टू द इंसेक्ट बॉडी टू सस्टेन। देखो, तो इतना बड़ा डेफिनेशन हमें याद नहीं करना है, इसमें कुछ बोल्ड पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है। ठीक है, पहला कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, कोई भी सिस्टम जो होता है छोटे छोटे कॉम्पोनेंट से मिलकर बना हुआ है, इसमें ऑर्गन्स। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो एक डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, कॉमन फंक्शन क्या हो गया? डाइजेशन। ठीक है, तो वो मिलकर क्या बनाता है? एक डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाता है। इसमें क्या होता है? एक हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है। ठीक है, जिसको हम लोग जीआई ट्रैक भी बोलते हैं और मैंने इसका नाम गट भी बताया। ठीक है, यानी एक ट्यूब स्ट्रक्चर होता है और उसमें एसेसरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स में हम आगे देखेंगे, इसमें सैलिवरी ग्लैंड्स, यानी जो भी ग्लैंड्स वगैरह पाए जाते हैं वो भी इनके अंदर होता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर डेफिनेशन से अगर हमारा बोल्डेड पॉइंट क्या क्या निकल रहा है कि ये जो है पहले ऑर्गन से मिलकर बना होता है, दूसरा इस जो सिस्टम का जो फंक्शन है वो क्या है? इट ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। ठीक है, ये फूड को स्मॉलर कंपोनेंट में तोड़ देता है ताकि जो हमारा न्यूट्रिशन है, यानी हम जो भी फूड, यानी इंसेक्ट जो भी फूड ले रहा है वो आराम से इजीली क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए, यानी ब्लड में चला जाए और एसिमिलेट हो जाए, यानी जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ क्या हो जाए? वो ट्रांसफ़र हो जाए, ईजिली ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, इसलिए उसको क्या करते हैं? स्मॉलर कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। और इससे होगा क्या? फूड क्या होगा? जहाँ पे जो सेल है उनको नीड जहाँ पे है वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो जो इंसेक्ट है वो क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। तो इंसेक्ट का जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें दो कंपोनेंट है, पहला गट, ठीक है, और दूसरा उनके ग्लैंड्स। तो हम इन दोनों पार्ट को अलग अलग पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल को और दूसरा पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम दिया है ये एक गट का डायग्राम है। ठीक है, जो स्टार्ट होता है माउथ से। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो माउथ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद माउथ से खाना जाता है फेरिंग्स में, फिर इसोफेगस में, फिर क्रॉप में। ठीक है, फिर एक रीजन है प्रोवेंट्रिकुलस, फिर वेंट्रिकुलस जिसको गिजार्ड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा मिड गट में जाता है और उसके बाद हाइंड गट में जाता है, जिसके कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे ईलियम, रेक्टम और एनस लिखा हुआ है लास्ट में। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस पे। नेक्स्ट टॉपिक है कि इंसेक्ट कोई भी हो, फाइटोफेगस हो यानी प्लांट ईटर हो, एंटोमोफेगस हो यानी इंसेक्ट को खाता हो, वूड बोरर्स हो, वूल फीडर्स हो, या फिर सैप्रोफिटिक हो। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब क्या है? ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें डाइजेशन क्या होता हो? आउटसाइड बॉडी होता हो। इसमें क्या होता है कि इंसेक्ट होता है वो एंजाइम को सिक्रीट करता है आउटसाइड द बॉडी और वो फूड को बाहर में ही डाइजेस्ट कर जाता है और वो डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है? अब खाता है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ जो न्यूट्रिशन है उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफिटिक। ठीक है, तो चाहे वो कोई टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो लेकिन इंसेक्ट दो तरीके के ही फूड को खाता है। फर्स्ट जो है वो है सॉलिड फूड मटेरियल और दूसरा जो है वो है लिक्विड फूड मटेरियल। ठीक है, तो अब ये दो फॉर्म जो खाने का है उसमें अगर हम बात करें तो लिक्विड फूड में क्या क्या खा सकता है वो? प्लांट सैप, नेक्टर या फिर ब्लड। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द फूड मटेरियल इंजेस्टेड देयर आर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द इंसेक्ट्स। कहने का क्या मतलब है कि इंसेक्ट किस टाइप का है और उनमें मॉडिफिकेशंस, मतलब उनका फीडिंग हैबिट किस तरीके का है, उस बेसिस पे उनका जो गट है उनमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो कॉम्पोनेंट में पढ़ेंगे, एक डाइजेस्टिव ट्रैक और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे पहला जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो क्या होता है? तो डाइजेस्टिव ट्रैक का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? गट बताया था, जो कि एक लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लंबा है, मस्क्यूलर है यानी मसल से बना हुआ है, ट्यूबुलर यानी हॉलो स्ट्रक्चर है, जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है। इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। ठीक है, फोर गट यानी जो सबसे एंटीरियर पार्ट है आगे जहाँ पे माउथ है, मिड गट बीच वाला पार्ट और जो हाइंड गट है वो सबसे लास्ट वाला पार्ट जिसका जो एंड होता है वो एनस पे होता है।
ठीक है। फोर गट का नाम जो है स्टोमोडियम भी कहते हैं, मिड गट को मेसेंट्रॉन कहते हैं, और जो हाइंड गट है उसको हम लोग प्रोक्टोडियम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक ग्रास हॉपर का डायग्राम देख रहे हो, जिसमें हम मैंने क्या किया है, बहुत सारे उनके डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स को दिखाया है। तो यहाँ पे तो आप किसी इंसेक्ट्स में देखोगे तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर होगा, बस इसमें ध्यान रखना कि जो फोरगट है वो कहाँ तक है। फोरगट यहाँ तक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर जितने स्ट्रक्चर्स होंगे वो फोरगट में आएगा, यहाँ पे वाला जो स्ट्रक्चर है वो मिडगट में आएगा, उसके नीचे जो आएगा वो हाइंडगट में आएगा। यहाँ पे दो चीज़ ध्यान देने वाला है, फर्स्ट है कार्डियक वाल्व, दूसरा है पाइलोरिक वाल्व। जो कार्डियक वाल्व है वो फोरगट और मिडगट के बीच में होता है, वहाँ पे जो फूड का जो ट्रांसफर का ट्रांसफर होना है फूड फोरगट से हाइंड मिडगट में, वहाँ पे रेगुलेट करता है कार्डियक वाल्व। और पाइलोरिक वाल्व जो होता है वो मिडगट टू हाइंडगट में फूड के ट्रांसफर को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फोरगट को। फोरगट क्या होता है, सबसे एंटीरियर पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। एक्टोडर्मल क्या है, एक जर्मिनल लेयर है, जो हम 12th में हमने या फिर 11th में हमने पढ़ा था कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं जिनमें तीन तरह के जर्मिनल लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है। तो जो फोरगट है वो एक्टोडर्मल ऑरिजिन का होता है, ठीक है। ये एंटीरियर पार्ट है किसका, इंसेक्ट्स के एलिमेंट्री कैनाल का, इसीलिए ये जो फॉर्मेशन है फोरगट का ये एंटीरियर पार्ट ऑफ एक्टोडर्म से ही होता है, ठीक है। इसमें जो अगर हम देखेंगे जो फोरगट है उसके इंटरनल साइड पे क्या होता है, क्यूटिकल का लाइनिंग पाया जाता है, ठीक है। क्यूटिकल लाइनिंग मतलब हम क्या समझते हैं इससे, कि जो पानी है वो एक जगह से मतलब एक साइड से दूसरे साइड में क्या होगा, वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे ना किसी चीज़ का ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, पानी नहीं तो कोई चीज़ का डाइजेशन नहीं। तो जो फोरगट है सिर्फ पैसेज देता है फूड को, जहाँ पे स्टोर कर सकें खाने को और जहाँ पे खाने को ब्रेक डाउन कर सकें, ठीक है, एंजाइम्स के हेल्प तक, एंजाइम्स के हेल्प से वहाँ तक खाने को पहुँचाने का पार्ट किसका है, फोरगट का है, ठीक है। तो फोरगट के जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर में भी मार्क किए हैं, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, ठीक है, क्रॉप, गिजार्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि जो फोरगट है वो स्टार्ट होता है माउथ से, ठीक है, और वो फिर ट्रांसफ़र होता है, अगर फूड जो है वो माउथ में आ गया इंसेक्ट के तो वो फिर एक मस्कुलर ऑर्गन फेरिंग्स के पास चला जाता है, ठीक है। अब फेरिंग्स में क्या होता है, वहाँ पे मूवमेंट होता है और जो फूड है वो ईसोफेगस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी फेरिंग्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, फूड को पुश कर देता है ईसोफेगस में, ठीक है। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होगा। अब ईसोफेगस क्या है, जिसको हम ह्यूमन में अगर बात करें या फिर इन जनरल बात करें तो हम इसको फूड पाइप कहते हैं। ये एक नैरो ट्यूब है जो कि फूड को क्रॉप तक ट्रांसफ़र करता है। अब क्रॉप क्या है, क्रॉप एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, डायलेटेड स्ट्रक्चर है, यानी चौड़ा फैला हुआ स्ट्रक्चर है ईसोफेगस के पोस्टीरियर पार्ट पे, यानी डिस्टल पार्ट पे, ठीक है। ये एक फूड रिजर्वायर है, जो भी फूड आ रहा है वहाँ पे जाके क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। अब जो फूड है क्रॉप से वो ट्रांसफ़र होता है गिजार्ड की तरफ, तो गिजार्ड को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलस, ठीक है। तो जो गिजार्ड जहाँ से स्टार्ट होने वाला है उस रीजन को हम लोग बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। तो जो हम बात करें क्रॉप के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा प्रोवेंट्रिकुलस, और उसके बाद आता है गिजार्ड, और गिजार्ड जो है वो लास्ट स्ट्रक्चर है फोरगट का, ठीक है। तो अगर हम बात करें माउथ से फेरिंग्स में जाने में, तो फेरिंग्स क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है जो कि खाने को पुश करता है, और माउथ को हम लोग सकिंग पंप भी कहते हैं। अगर ये लिक्विड फीडर इंसेक्ट्स में देखें तो माउथ क्या होता है, सकिंग पंप कहलाता है, ठीक है। दूसरा है फेरिंग्स, फेरिंग्स से ट्रांसफ़र होता है खाना ईसोफेगस में, जो कि एक नैरो ट्यूब है जो कि मैंने बता दिया है। थर्ड फिर ईसोफेगस से जाता है क्रॉप में, जो कि एक डायलेटेड और डिस्टल पार्ट है, फूड रिजर्वायर है, ठीक है। बीज में अगर हम बात करें तो इसको हनी का स्टमक कहा जाता है, जहाँ पे नेक्टर का कन्वर्जन होता है, ठीक है। क्रॉप से फिर खाना जाता है गिजार्ड में, ठीक है। ये क्या है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोरगट में पाया जाता है। इनमें जो क्यूटिकल है वो मॉडिफाई हो जाता है जो सॉलिड फूड्स हैं उनको क्रश करने के लिए। तो गिजार्ड जो है प्रोमिनेंट किस में होगा, जो लिक्विड फीडर्स हैं उनमें नहीं, जो सॉलिड फीडर्स हैं, जो सॉलिड खाना खाते हैं, कि गिजार्ड में जो इंटरनल लाइनिंग है ना क्यूटिकल का, वो क्या कहते हैं, उनका डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स में डिफरेंट टाइप से मॉडिफाइड है, ठीक है। जैसे कॉकरोच में अगर देखेंगे तो उनका जो सॉलिड फूड है उसको ग्राइंड करने के लिए जो क्यूटिकल है वो टीथ लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है, ठीक है। हनी बी में अगर देखेंगे तो वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में हो जाता है, क्योंकि जब हनी बी नेक्टर को लेकर आती है तो जो पॉलन ग्रेन साथ साथ में आ जाता है उनको सेपरेट करने में हेल्प करता है, और स्पाइंस लाइक क्यूटिकल हो जाता है हमारा फ्ली में, ताकि वो जो ब्लड के सेल्स हैं उनको क्या कर सके, तोड़ सके, ठीक है। अब जो फ्लो है खाना का वो फोरगट से कहाँ जाना है, मिडगट में जाना है, तो इसको जो रेगुलेट करता है उसको कहते हैं कार्डियक वाल्व, ठीक है। आई होप यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है मिडगट,
ठीक है। यहाँ पे इससे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक बार डायग्राम देख लेते हैं जो कि बहुत ईजी है, मैंने पहले बता भी दिया है। माउथ से स्टार्ट होगा, ठीक है, फेरिंग्स में, फिर इसोफेगस में, फिर क्रॉप में, फिर प्रोवेंटिकुलस और लास्ट में चला जाता है गिजार्ड में। नेक्स्ट है वो है मिडगट। मिडगट क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, मेसेंट्रॉन, मैंने बताया था। ये इंडोडर्मल ओरिजिन है, जो फोरगट था एक्टोडर्मल था, मिडगट जो है एंडोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। इसमें क्यूटिकल लाइनिंग नहीं पाई जाती है, यानी यहाँ पे जो होगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी और यहाँ पे डाइजेशन होगा। इनमें तीन तरह का सेल्स पाया जाता है, पहला सिक्रेटरी सेल्स, जिनका स्ट्रक्चर जो होता है कॉलमनर शेप का होता है, इसलिए इसको कॉलमनर सेल्स भी कहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनका ये सिक्रीशन करता है। दूसरा है गॉबलेट सेल, जो कि एज्ड सिक्रेटरी सेल्स हैं, जो सिक्रेटरी सेल्स पुराने हो जाते हैं वो गॉबलेट सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब गॉबलेट सेल्स का फंक्शन क्या है, म्यूकस का फॉर्मेशन करना। जो भी सिक्रेटरी सेल्स जो भी एंजाइम बना रहा है, वो जो इंसेक्ट का इंटरनल लाइनिंग है वहाँ पे क्यूटिकल तो है नहीं, तो उस लेयर को जला ना दे या फिर उसको डाइजेस्ट ना कर दे एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम उनके गट को ही डाइजेस्ट ना कर दे। इसीलिए जो गॉबलेट सेल्स हैं वो म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इनर लाइनिंग को। और जो थर्ड टाइप ऑफ सेल है वो है रीजनरेटिव सेल्स, जो रिप्लेस करता है सिक्रेटरी सेल्स को, यानी जो एज्ड सिक्रेटरी सेल्स हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिर तो सिक्रेटरी सेल्स चाहिए जो एंजाइम है उसको सिक्रेशन के लिए, तो उनको रिप्लेस करता है, ठीक है। अब मिडगट में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। हम मेन चार स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला है पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे पहला पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है, ठीक है। एक तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी जो ट्रांसफ़र है बहुत सारे मटेरियल को उसको ये अलाउ करता है, और ये हेल्प करता है लुब्रिकेशन में और इजी फ्लो ऑफ द फूड में, ठीक है। और साथ साथ ये प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द गट को, ठीक है। तो मिड गट में पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अगर हम बात करें ये होता क्या है, तो इट इज़ द इंटरनल लाइनिंग ऑफ मिड गट एंड इज सिक्रीटेड बाय द एपिथेलियल सेल्स, जो कि सेल का लाइन है जो मिड गट में, उससे ये सिक्रीट होता है, ठीक है। ये सिर्फ प्रेजेंट होगा जो कि सॉलिड फीडर्स होंगे, ठीक है, जो कि सॉलिड फूड्स खाते हैं उनमें ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन अगर हम देखें तो ये डाइजेस्टिव जूसेस को और जो जो डाइजेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको पास करने देता है, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल कहा गया है, ठीक है। जो सेकंड है वो है गैस्ट्रिक सीका, इसका दूसरा नाम हेपेटिक सीका भी होता है, ठीक है। ये क्या है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, जो मिडगट जो पार्ट है ये, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ है और यहाँ पे भी निकला हुआ है, मतलब एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट दोनों जगह पे। तो ये क्या करता है, हमारा मिडगट है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ताकि वहाँ पे डाइजेशन क्या हो जाए, एफिशिएंटली हो पाए, ठीक है। और ये साथ साथ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का घर भी है। थर्ड जो होता है पाइलोरिक वाल्व, मैंने बताया था पाइलोरिक वाल्व क्या होता है, ये कंट्रोल करता है फूड को मिडगट से हाइंडगट में जब जाता है तो कितना खाना जाना है, कब कब जाना है, उस चीज़ को रेगुलेट करता है। पाइलोरिक वाल्व का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोक्टोडियल वाल्व, ठीक है। और लास्ट है फिल्टर चैम्बर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंसेक्ट के ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन कहने का मतलब क्या है, कि जो उनका जो बॉडी फ्लूड है उनमें जो सॉल्ट का कंसनट्रेशन है, आयंस का कंसनट्रेशन है, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिल्टर चैम्बर जो है वो एक्सेस वाटर को रिमूव कर देता है लिक्विड फूड से, ठीक है, ताकि फूड क्या हो जाए, कंसनट्रेट हो पाए और उसका एफिशिएंट डाइजेशन हो पाए। तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो डायग्राम है इनके इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम का आप देख सकते हो, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइंडगट। हाइंडगट जो है लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। ये बहुत ईजी है, इसका भी जो ऑरिजिन है वो एक्टोडर्म से है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा था किसका, एक्टोडर्मल जो फोरगट था, फिर जो जो मिडगट है वो हो जाता था एंडोडर्मल, और हाइंडगट फिर से एक्टोडर्मल ओरिजिन है। तो एक्टोडर्म जो लेयर है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो ही इन्वेड करके बना देता है हमारा हाइंडगट, ठीक है। अब इसमें हम बात करें क्यूटिकल, तो क्यूटिकल इसमें भी पाया जाता है, ठीक है। जो क्यूटिकल का लेयर है वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्यूटिकल लेयर जो है परमिएबल है सॉल्ट्स के लिए, आयंस के लिए, एमिनो एसिड्स के लिए और वाटर के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो परमिएबिलिटी थी फोरगट में वहाँ कुछ भी नहीं थी क्यूटिकल होने के बाद, और यहाँ पे परमिएबिलिटी है सॉल्ट्स के लिए, आयंस के लिए, अमीनो एसिड्स और वाटर के लिए, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा हाइंडगट का, ये क्यों है कि ये जो हमारा जो एक्सटर्नल जो हमारा एक्सक्रीटा है यानी फेसेस और जो यूरिन है उनमें जो एक्स्ट्रा वाटर चला गया है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिशन है उसको रीअब्जॉर्व कर पाए, ठीक है, जैसे वाटर को, सॉल्ट्स को, अदर सब्सटेंस जो कि यूरिन में वेस्ट हो रहा है उसको आपस से जो उनका जो हीमोलिम्फ है उनमें ट्रांसफ़र कर पाए,
ठीक है। जो हाइंड गट है वो फिर से तीन पार्ट में है, इलियम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। यानी जो वेल्व, जो मैंने बोला पाइलोरिक वेल्व पाया जाता है, वो इलियम और मिड गट के बीच में पाया जाता है, ठीक है। फिर उससे जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कोलोन में जाता है और फिर रेक्टम में जाता है, ठीक है। रेक्टम जो है वो ओपन करता है एज ए एनस। एनस क्या है? उनका जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है बाहर आता है। उससे पहले रेक्टम में रेक्टल पैड्स पाए जाते हैं जो कि डिहाइड्रेशन ऑफ फेसेस में हेल्प करता है, यानी वाटर लॉस जो बॉडी में ना हो उसको ये मतलब कंट्रोल करता है कि वाटर जो है ज़्यादा बॉडी से बाहर ना जाए, ठीक है। और रेक्टम जो है फाइनली वो क्या करता है, एनएस के थ्रू ओपन कर जाता है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोक रहा हूँ और कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो हमारा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनके बारे में। तो आई होप आज का लेक्चर यहाँ पे समझ में आ गया होगा सभी को। इसके बारे में फिर से एक बार आप कोई बुक में पढ़ लेना, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगर किसी को कुछ भी दिक्कत है तो वो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। अगर किसी को इस लेक्चर की PDF या PPT चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर पर जाके इसे डाउनलोड कर सकता है। जो गो फॉर एग्रीकल्चर का टेलीग्राम चैनल है उसका मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है, आप इस चीज़ पे जाके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।